हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लॉकडाउन स्पेशल केक है जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए फिर देर किस बात की। इस केक को बनाने के लिए आप इस तरह से ओरियो बिस्किट ला सकते हैं। ये मैंने 50 ग्राम्स का बिस्किट लिया है, तो ये मैंने लगभग 7 पैकेट लिए हैं। 30-35 इसके पीसेस रहते हैं, तो इन बिस्किट्स को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब इन सारे बिस्किटों को आप एक जार में इस तरह से डाल दीजिए। तो एक पैकेट में डाल के या इसी तरह बिस्किट के पैकेट में ही बाहर से उसको क्रश कर सकते हैं। ये इस तरह से एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, बेकिंग पाउडर, ये 1 कप मिल्क, ये रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अब इसमें आप धीरे धीरे डाल के मिक्स करेंगे। हो सकता है कि आपको एक कप से भी कम लगे, तो आप अपना एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये बैटर कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास कोई बेकिंग टिन है तो इसको आप ले लीजिए और उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। इसको अच्छे से टैप कर लीजिए। इसको हम इस तरह से कुकर में बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक तवा ले लिया है और एक कुकर लिया है, और इस कुकर के ढक्कन का हम वॉशर और इसकी सीटी दोनों निकाल देंगे। प्री हीट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे स्टार, इसको इस तरह से कुकर में रखेंगे और 35 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। हमारा टोफू एकदम स्टीम आया है। आप इसमें शुगर सिरप डाल दीजिए जिससे कि आपका केक एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। 4 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, मिल्क हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। अब इसको भी इसमें आप मिक्स कर दीजिए। डेकोरेट करने के लिए अभी मेरे पास घर में सिर्फ ये टूटी फ्रूटी है, तो इसी से मैं अपने केक को डेकोरेट करूंगी। तो आपको इस रेसिपी का लिंक चाहिए तो आप मेरे इसके ऊपर क्लिक करिए। फ्रेंड्स, इस तरह से आप कैंडल लगा के अपने नियर डियर का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना ये बढ़िया सा तरीका। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।